हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की केमिस्ट्री क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैं आपको फोर्थ चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया और आप अच्छे से उसे समझ गए होंगे और पढ़ लिए होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में ही ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये आपका 10th चैप्टर है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको डिवाइड करवा दिया था कि इसको हमको कब पढ़ना है और कौन सा टॉपिक किसके अंतर्गत आता है। बच्चों आप थोड़ा दो मिनट में आपको बता देता हूँ, पुनः आपकी जो केमिस्ट्री है 3 पार्ट में डिवाइड है बच्चों। वह 3 पार्ट कौन कौन सा होगा देख लीजिए। आपकी एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक, और तीसरा आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, जिनमें से आपको बच्चों निश्चित रूप से 1-5 चैप्टर होते हैं। कितने? 1-5 चैप्टर, जिनमें से मैं आपको कितना कंप्लीट करा दिया, 4 चैप्टर तक, यानी 1-4 आपको क्या कर दिया, करवा दिया कंप्लीट। क्या है, मैं आपको 1-4 तक आपको मैंने क्या कर दिया, लगातार आपको कंप्लीट करवा दिया गया। आई होप कि अच्छे आप अच्छे से पढ़ लोगे और समझ गए होंगे। ठीक, आपका जो इनऑर्गेनिक चैप्टर होता है बच्चों, ये आपका 6, 7, 8, 9, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 6 में इसकी काउंटिंग हो गई, बोलिए 1-6, 1-6। ठीक है, 2 अभी पॉइंट बचा हुआ है, 6 यहाँ पे नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक आपका कितना है, 3 चैप्टर मात्र है, 7, 8 और 9। तो अभी आपको ये नहीं बताया गया, हमारा जो 10 से आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये जो हमारे चैप्टर होते हैं बच्चों, ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। ये आपका क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। 7, 8, 9 हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा और 10 से आपका 16 तक आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पार्ट होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, एक बायो केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बायो केमिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, तो आप याद रखिएगा 14, 15, 16, ये आपका जो 4 चैप्टर है, 14, 15 और 16, ये हमारा क्या होगा, बायो केमिस्ट्री है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आता तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो हम आज का जो क्लास है, आज की जो क्लास है बच्चों, तो आज हम आपको इसको 10th चैप्टर में हैं और उस 10th चैप्टर का नाम है हेलो एलके एंड हेलो एरिन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत कठिन है लेकिन बहुत सरल भी है, यदि आप 100% समझने के लिए कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्या समझ में आएगा। मैं आपको ऐसे लॉजिक के माध्यम से समझाऊंगा कि आपकी जो हार्ड केमिस्ट्री है वह सिंपल केमिस्ट्री में परिवर्तित हो जाएगी। सिर्फ आपको माइंड क्रिएट करना है, माइंड लगाना है, जितना मैं बोलता जाऊंगा उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए मैं थोड़ा आज बेसिक की क्लास रखा हूँ। बेसिक की क्लास का मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंतर ही है क्या, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, पहले तो आप यह जानिए, तब तो आगे आप रासायनिक अध्याय करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको या तो आपसे पूछा जाएगा कि नेम रिएक्शन, और या तो किसी न किसी में डिफरेंस पूछा जाएगा, अंतर पूछ लेगा। ठीक है, या तो उसकी क्या होता है जब, यानी मेन रासायनिक अभिक्रिया आधी दे दी जाएगी और आधी आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश 100% करूंगा, आप कोशिश करिए समझने की। ठीक है बच्चों, चलिए पहले तो आप यह जानिए कि जो आपका चैप्टर है वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है। इसके पहले और बेसिक चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन,
हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने हुए पदार्थों को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया, CH4, यही हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो क्या कहा, किसी हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी जितने आप हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, विस्थापित करेंगे, उतने हैलोजन लाएंगे, तो इस प्रकार का जो यौगिक बनेगा वह क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए कैसे, जैसे आपके सामने लिखा है PH4, तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन हम गायब करेंगे उतने क्लोरीन लाएंगे, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, क्लोरीन की क्रिया करा देते हैं और ये बन जाता है आपका CHCl और HCl बन गया। क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक क्लोरीन के द्वारा होता है, इस कारण से क्या बन जाता है आपका, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है बच्चों, क्या नाम है, मेथिल। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, गलत, मेथिल नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, मेथेन। इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। बहुत बेसिक है, चूंकि आप ये सब एग्जाम में पढ़े होंगे, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या कहता है कि बच्चों आपका पेपर भी लेगा, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन देखते हैं कहां तक डीप में जाते हैं, चूंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। क्या समझ में आ गया, एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक क्लोरीन के द्वारा कर दिया, तो जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा तो इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो एक क्लोरीन आकर यहाँ बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो फिर देखिए, इसको और अच्छे समझाता हूँ बच्चों, देखिएगा, समझने की आप कोशिश करिए, 100% आपके समझ में आएगा, यदि नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। निश्चित रूप से यदि आप माइंड रखे हैं पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और बच्चों आपको यही पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब 4 वह कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब तो जाकर उसका एक कंपाउंड बनता है। तो मान लीजिए इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, मान लीजिए गायब हो गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो क्या बताइए, आप बताइए, इसकी वैलेंसी खाली हो गई, खाली हो गई ना, तो जब वो वैलेंसी खाली हो गई तो इसको हम ले जाकर यहाँ पे बैठा देंगे, ये आ गया, आ गया, समझ में आ गया, मतलब मेरे पास चार चेयर है, चारों चेयर में से चारों व्यक्ति बैठे हुए हैं, और उनमें से एक कोई नया व्यक्ति आया और मैं बैठाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, किसी न किसी को तो वहां पर उठाना पड़ेगा, तो मैंने एक व्यक्ति को उठा दिया और नए गेस्ट उनको बैठा लिया, तो जब वो नए गेस्ट वहां पे बैठ गए हैं तो क्या हुआ, यही तो कंडीशन हुई है कि हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो गया, क्लोरीन के द्वारा, यानी हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, क्लोरीन आ गया। तो ये आपका था बच्चों, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, और इस एच को हम क्या करेंगे बच्चों, विस्थापित कर देंगे, तो देखिए कैसे बना, एच 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 एच, अब यहाँ पे एच नहीं रह गया, क्या हुआ, Cl प्लस HCl, ये जो आपका बचा था यहाँ पे एच और Cl, सेम टू सेम यही है, ये आपका अणु फार्मूला है, मतलब अणु रूप में लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हुआ बच्चों, इसका नाम है मेथेन, लेकिन इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, बन जाएगा बच्चों। तो ये आपका है, यानी किसी न किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा किया गया, क्लोरीन के द्वारा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बात करते हैं, तो देखिए हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के अनुसार ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या होता है, थोड़ा चलिए इसको बात करते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन लिखा हुआ है, तो हेलो एल्केन तो समझ में आ गया बच्चों, हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा, हैलोजन। ये हेलो हेलो क्या होता है,
चलो इसको भी थोड़ा बताता हूँ, किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा, हेलो बार बार बोल रहे हैं, हेलो 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 क्या है? तो देखिए क्या है, आप समूह 17 में देखिए कहाँ पे समूह है 17, क्या है 17, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समूह 17 के तत्वों को हैलोजन समूह के तत्व कहा जाता है, और उनका नाम क्या होगा? फालतू कल बाहर आई एंटी, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन और एटीएस, ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन परिवार के सदस्य कहलाते हैं बच्चों। तो जब मैं बात करता हूँ हैलो हैलो, तो हैलो का मतलब होता है हैलोजन समूह के तत्व, और एल्केन का मतलब क्या होगा? मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन में हम क्या करेंगे? क्लोरीन की या ब्रोमीन की या आयोडीन की क्रिया करवा दूंगा, जैसे ही क्रिया हो जाएगी तो वहां पे कोई ना कोई एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा, तो बन जाता है हेलो एल्केन। अब यहाँ पे एल्केन है, ये क्या हुआ? हेलो एल्केन के रूप में आ गया, तो हेलो एल्केन आ गया। आप समझ में आया बच्चों हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? चलिए अभी और आगे समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हेलो एल्केन था, अब आगे बात करते हैं हेलो एरिन की। एरिन का मतलब होगा 6 कार्बन, कम 6 कार्बन हो और वह एक दूसरे से क्या हो बच्चों? जुड़ा हो, रिंग के रूप में हो। पहले आप तो देखिए क्या है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न, क्या है एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न, एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न। दूसरा होता है एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न, दूसरा बच्चों क्या होगा? एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। ये 2 प्रकार के हैं, एक हो गया आपका एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो हम चलते हैं हैलोजनों के व्युत्पन्नों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला पॉइंट होगा एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न। थोड़ा एरोमेटिक के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बाद इसका डिबेट, क्योंकि बहुत लंबा सीरीज जाएगा और लंबा सीरीज जाने का मतलब क्या होगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और आपसे बनने लगे, ठीक है। लेकिन हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम आपको इतना डिटेल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि कम से कम में आपका काम हो, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बच्चों थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश करूँगा लेकिन बहुत कम बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि सामने तो मान लीजिए बच्चों को बता सकता हूँ लेकिन वीडियो तो आपको क्या होगा, जितना मैं आपको डिटेल बताता जाऊँगा वो वीडियो बढ़ता जाएगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कम से कम आपको बताऊँगा। हेलो एरिन का मतलब थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए C6H6 लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? बेंजीन है। और ये बच्चों क्या है? C6H5Cl है। ये सब क्या हेलो एरिन के अंतर्गत, यानी कार्बन की संख्या 6 हो और वह बेंजीन के रिलेटेड हो, यानी बेंजीन से रिलेशन दर्शाता हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एरिन के अंतर्गत बात करेंगे, C6H6CH5 हो जाएगा। बहुत सारे हैलोजन आ जाएंगे, बेंजीन आ गया, फेनिल क्लोराइड हो गया, फिनाल हो गया C6H5OH हो गया, टालिन हो गया C6H5CH3 हो गया, ये सब क्या होंगे? एरिन पे आ जाएंगे। तो मैं जब आप हेलो एरिन बताऊंगा तो उसको वहाँ पे डिटेल बात करेंगे। हेलो, आप 2 पॉइंट विशेष ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा? एल्केन में कोई हैलोजन समूह जुड़ा हो। एल्केन का मतलब क्या हुआ? जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। और हेलो एरिन का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा कम मतलब कार्बन जिसमें कार्बन समूह की संख्या 6 हो और वह क्या हो? बेंजीन रिंग की तरह हो, जुड़ा हो एक दूसरे से, एरोमेटिक यौगिक की तरह हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एरिन कहेंगे। कार्बन की संख्या उसी प्रकार से रहेगी बच्चों जैसा इसमें है, लेकिन उसमें कार्बन संख्या 6 होगी और वहां पे हैलोजन समूह जुड़ा रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें एरोमेटिक बहुत सारे होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक आप पढ़े होंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न।
एलिफैटिक हाइड्रोजन व्युत्पन्न के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, है क्या ये एलिफैटिक हाइड्रोजन पर व्युत्पन्न? एलिफैटिक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से बने हैलोजन व्युत्पन्न एलिफैटिक हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बने हैलोजन व्युत्पन्न एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, हैलो एल्केन। ये एलिफैटिक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। क्या नाम है इनका? हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, तीसरा है हैलो एल्काइन। ठीक है, हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन, हैलो एल्काइन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट होता है हमारा हैलो एल्केन, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाता है? किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिक को मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु से, लिख दीजिए परिभाषा, किसी एल्केन के किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते। ठीक बच्चों, हैलो एल्केन कहलाते, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाएगा। और इसका सामान सूत्र कैसे हो जाएगा बच्चों? देखिए CnH2n+2 तो आप जानते थे एल्केन का सामान सूत्र है। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? C1H2 और क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। X का मतलब क्या होगा? एक यहाँ पे हैलोजन चला गया बच्चों। जब हैलोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, तो कोई ना कोई एक X आ जाएगा। तो क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ पे आप मतलब कहना चाहिए कि जब ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक X आ गया है। और इनको हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। और हमारा ये तो X है ही, तो हम इन्हें R X के नाम से भी जानते हैं, एल्किल हैलाइड। R का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्किल। और X का मतलब क्या होता है? हैलाइड। क्या होता है? हैलाइड है, हैलोजन से संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा बच्चों, R का मतलब क्या होता है? CH3, C2H5, C3H7, और X का मतलब क्या होता है? क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये विशेष आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, X का मतलब हैलोजन ग्रुप होता है, R का मतलब CH3 कोई भी एल्किल हो जाए, CH3, C2H5 और C3H7, और X का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप इनको विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, R का मतलब एल्किल मूलक और X का मतलब हैलोजन परमाणु। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए, बहुत अच्छा, आपके समझ में आ गया तो इसको अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे, इसका एक एग्जांपल थोड़ा दे देते हैं बच्चों आपके सामने। ठीक, मिटा दो इसको। ये कैसे बना, तो थोड़ा बनाने की प्रक्रिया भी सिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई ना कोई एक एल्केन था, एल्केन का मतलब C
CN H2N+2। और यहाँ पे क्या किया गया, किसी हेलोजन की क्रिया करवा दिया यानी X2 की क्रिया करवा दिया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का विस्थापन करना है मेरे को, तो CN H2N+1 X, और यहाँ पे क्या बचा, HX बचा हुआ है। इसके स्थानांतर किसी एल्केन का नाम लेते हैं, तो जैसे CH4। ये CH4 कहाँ पे आ गया, तो आप N=1 रखेंगे तो निश्चित रूप से CH4 आ जाएगा। करके दिखाऊं, ये देखिए N=1 CH2N का मतलब कितना है, N का मतलब कितना है 1+2, जोड़ दीजिए CH4 2 2 4 आ गया, 2 2 4 नहीं, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 2 आया, और 2 को जोड़ दिया तो क्या हुआ, 4 हो गया कि नहीं हुआ, तो आपका निकल के आ गया CH4। और किसकी क्रिया करा दिया, X2 की मतलब Cl2 की क्रिया करा दिया। और जब Cl2 की क्रिया यहाँ पे करवा दूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए CH3Cl प्लस बन गया, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाने वाला हूँ, किया क्या मैंने, ये एल्केन लिया, यहाँ पे क्या है हैलोजन है, X लिखा हुआ है, कभी X क्रिया नहीं करता, X2, ये दोनों आपस में क्रिया किए, ये यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CnH2n+1 हुआ और X बन गया, और एक HX बाहर चला गया। फिर देखिए इसका मतलब CH4 होता है, इसका मतलब Cl2 होता है, तो मैंने क्रिया करा दिया तो यहाँ से Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल करके HCl बन जाएगा। अब इससे बेसिक और नहीं, बहुत समझा दिया, ठीक। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, आगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक एल्केन हैलाइड, ये सब आगे काम पड़ेंगे, जैसे ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो तुरंत इनकी जरूरत पड़ेगी, तो समझते जाइएगा। द्वितीयक एल्केन हैलाइड, प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक का द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं बच्चों, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, तृतीय प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्केन हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो जाए बच्चों, इसमें सिर्फ ओनली एक ही एल्किल समूह होंगे, तो जैसे इसका सूत्र लिखता हूं RCH2X। देखिए इसमें एल्किल सिर्फ एक ही है और हैलोजन सिर्फ हमारे पास एक तो रहेगा ही, तो क्या हुआ, इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड में सिर्फ एक एल्किल ग्रुप होता है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन समूह का विस्थापन होता चला जाएगा, एल्किल ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे तो बनता चला जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, एक हाइड्रोजन का विस्थापन होगा एक एल्किल के द्वारा, देखिए कैसे बनता है, आर आर और यहाँ पे हो जाएगा CH और ये हो जाएगा, यानी कहना चाहिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे विस्थापित हो गया और एक एल्किल ग्रुप मैंने और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब तृतीयक में क्या होगा, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और गायब होगा, तो जैसे एक हाइड्रोजन और गायब हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 एल्किल बन जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी क्या होगा बच्चों, पूर्ण हो जाएगी, कमी नहीं होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 है, 1 2 3 और ये 4, यहाँ भी है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ये 3 1 ये 4, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 से कम नहीं होनी चाहिए और 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए बच्चों। तो देखिए आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया, इसका नाम है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसका नाम है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसका नाम है तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्यों कहा गया प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है तो द्वितीयक, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों, आगे चले। चलिए दूसरा पॉइंट होता है हेलो एल्किल, ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, हेलो एल्केन कंप्लीट हो चुका बच्चों। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन की,
दूसरा पॉइंट क्या होगा, हेलो एल्केन। अभी एल्केन था, अब एल्कीन आ जाएगा। हेलो एल्कीन का मतलब क्या होगा, निश्चित रूप से बच्चों यहाँ पे डबल वांड आएगा। क्या होगा, डबल वांड आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन क्या होता है। हेलो एल्कीन ए एल्कीन का व्युत्पन्न होता है, इसमें एल्कीन का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ये एल्किनाइल हैलाइड कहलाते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n-2। यानी कहने का मतलब होगा एल्कीन का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एल्कीन का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन द्वारा एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होने से बनता है। अब कोई ना कोई एक एल्कीन होगा, उस एल्कीन में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हमको स्थापित करना है बच्चों। तो देखिए उस एल्कीन का मतलब कौन सा, कोई सूत्र बता दिए। एल्कीन यानी मैं बोलता हूँ एसिटिलीन। क्या होगा एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा बच्चों, वो तो दूसरा एसिटिलीन को हो जाएगा आपका ट्रिपल, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होगा CH2 double bond CH2। इसका नाम क्या होगा बच्चों, एथिलीन। देखिए आपके पास डबल बॉन्ड वाला कोई एल्कीन है, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों, CnH2n और सिर्फ CnH2n होगा। क्या होगा CnH2n, ये सिर्फ एल्कीन का है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को मुझे जब गायब कर देना है तो इसका सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, CnH2n-1 और X बन जाएगा। अब ये बन जाएगा आपका हेलो एल्कीन का सामान्य सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा हेलो एल्कीन का सामान्य। अगर मैं CnH2n की बात करता हूँ तो सिर्फ ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, मैं आपको सबसे सामने लिख देता हूँ पर CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। इसका मतलब क्या होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन CnH2n CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। देखिए तीनों का सूत्र लिखा हुआ है, तो हमें चाहिए क्या, हेलो एल्कीन चाहिए। तो हेलो एल्कीन का मतलब क्या होगा, एक H2 double bond CH2, यानी क्या नाम इसका, एथिलीन है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर देना है। तो चलिए विस्थापित करते हैं CH2 double bond CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का परमाणु का विस्थापन कर देंगे तो बन जाएगा CH2 double bond CHCl। और क्या बनेगा बच्चों, HCl। यानी आपने क्या किया, Cl2 की क्रिया करा दिया। यहाँ पे एक क्लोरीन इसको दे दूंगा तो CH2 double bond CH single bond Cl बन गया, +HCl। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नाम याद रखिएगा, इनका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। तो आपके समझ में आ गया, हेलो एल्कीन भी आपके समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों, याद रखिएगा तीसरा पॉइंट क्या होगा, हेलो एल्काइन। तीसरा पॉइंट क्या होगा, हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन।
पहली बात तो याद रखिएगा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। अब वहां से एक हाइड्रोजन को मुझे विस्थापन करना है, और जब एक हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे तो क्या होगा, एक न एक क्या निकल जाएगा, हाइलो हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा बच्चों। तो वहां पे अभी आप क्या होगा, वहां CnH2n-3 और X बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एल्काइन के व्युत्पन्न जो एल्काइन के व्युत्पन्न जो एल्काइन एल्काइन का ही व्युत्पन्न है, एल्काइन के व्युत्पन्न जो क्या होगा, एल्काइन के व्युत्पन्न जो एल्काइन की एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्काइन की एक हाइड्रोजन एल्काइन की एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से बनता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, ठीक है। हैलो एल्काइन कहलाते हैं। हैलो एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। ये तो आपको पहले से जानते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु का और विस्थापन करना है, तब क्या होगा, तब एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करेंगे तो क्या होगा, CnH2n-3 और X हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों, तो ये देखिए, ये मान के चलिए, अब अगर मान बात करते हैं हम CH111CH, अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो किसका फार्मूला आएगा, CnH2n-2, वो कैसे देखिए, C2H कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे दो हाइड्रोजन की संख्या से जस्ट डबल, ये देखिए। अब अगर आप फार्मूला निकालना चाहते तो निकाल लीजिए CnH2n+2, तो CH2 और n का इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 2 × 1 + 2 × 2 हो जाएगा, प्लस टू का माइनस टू है ना, CnH2n-2, तो CN का 1 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और n के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, n का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है भाई, देखिए CnH2n-2 n के लिए नंबर ऑफ कार्बन, दो कार्बन C2 H कितने हैं, 2 × 2 − 2 क्या होगा, C2 2 × 2 = 4 × 4 − 2 − 2 आ गया। तो आपका ये तो सत्य हो गया, यदि सत्य ये है तो आपका ये राइट हो गया CnH2n-2। अब क्या करना है, इन्हीं में से एक हाइड्रोजन को और गायब करेंगे, तो जैसे एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो मान लो लो गायब कर दिया, X लगा दिया, तब क्या हुआ, CnH2n-3 और X हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा CnH2n-3 और X हो जाएगा। तो ये आपका रहा सामान्य सूत्र CnH2n-3 X। कोई एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्लोरो एसिटिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले जो लिखा था CH111CCl,
तो क्या नाम होगा? क्लोरोएसिटिलीन। पहले वो एसिटिलीन था, अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएसिटिलीन। इसी तरह से आप लिखेंगे CH CCH3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 CH3CH3CH3CH3CCH3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 C
है सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एल का नाम हो जाएगा प्रोपानाइल, प्रोपानाइल क्लोराइड, प्रोपानाइल क्लोराइड। तो बच्चों ये आपका रहा हैलो एल्केन, हैलोरिन और हैलो एल्काइन। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, इसको भी थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं पर लो बिटा दूं। हैलो एल्केन हैलोरिन आपका कंप्लीट हो गया और एलिफैटिक हैलोजन उत्पन्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट दूसरा पॉइंट जो आपका है हैलोरिन, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक ये क्या कहलाता है? तो जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है तो इस प्रकार के यौगिक को एरोमेटिक हैलोजन यौगिक कहते हैं। जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के स्थान पर, जब हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के स्थान पर, क्या कहा इन्होंने, एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है, वो बता दिया था आपको ना, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है। एरोमेटिक रिंग से क्या होता है बच्चों? जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहते हैं? इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहा जाता है? एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या और क्या कह सकते हैं, हैलोएरिन कहते हैं, हैलोएरिन ठीक है बच्चों, हैलोएरिन भी कहा जाता है। यानी जब हैलोजन परमाणु एक एल्किल समूह के स्थान, हैलोजन परमाणु क्या हो, एल्किल समूह के स्थान पर किससे, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के यौगिकों को एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या हैलोएरिन कहा जाता है। चलिए बच्चों बहुत अच्छा, अब चलिए हैलोएरिन है क्या तो बात करते हैं। हैलोएरिन, हैलोएरिन अभी तो आपने पढ़ा एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या होता है, ये आपका कौन सा पार्ट होता है बच्चों? दूसरा पार्ट होता है। एरोमेटिक यौगिक समझ में आ गया, क्या बताया था मैं आपको, पहले ही बता चुका हूँ कि एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक शब्द का यूज करना है, वह कैसा होना चाहिए, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, यानी रिंग से जुड़ा होता है। अब बात होती है हैलोएरिन, तो बेंजीन और इसके सजाती एरोमेटिक यौगिक क्या होगा, बेंजीन और इसके सजाती, ये भी बताया था, बेंजीन और इसके सजाती
बेंजीन और इसके प्रजाति एरोमेटिक यौगिक, इसके प्रजाति एरोमेटिक, बेंजीन और इसके प्रजाति एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन और इसके प्रजाति एरोमेटिक यौगिक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हैलोरिक कहते हैं। जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हैलोएरिन मतलब बेंजीन और इसके प्रजाति, मतलब अगर बेंजीन है तो बेंजीन का प्रजाति क्या होगा? टॉलिन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्या होगा? बेंजीन और इसके प्रजाति होगी, एरोमेटिक होगी। हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं वो क्या होगा? हैलोजन के साथ क्रिया करेंगे तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हैलोएरिन कहा जाता है बच्चों। क्योंकि नाइट्रोबेंजीन को हम किसके साथ क्रिया करा देंगे, यानी किसी न किसी कंपाउंड के साथ करवा देंगे तो वो भी आपका बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या होगा, हैलोएरिन दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक हैलोजन यौगिक और दूसरा होता है आपका हैलोजन प्रतिस्थापन यौगिक। हैलोजन योगात्मक हैलोजन यौगिक और हैलोजन प्रतिस्थापन यौगिक। तो आप ये पढ़ लिए हैलोजन योगात्मक यौगिक में क्या होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोजन को सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से सीधी अभिक्रिया कराने पर योगात्मक यौगिक हैलोजन बनते हैं, जैसे C6H6Cl6, C6H6Br6। इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? C6H6Br6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डी, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड। BHC का नाम क्या होगा बच्चों? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और BHB का मतलब क्या होगा? बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। BHC का भी नाम आप पढ़ चुके हैं बियर, और अब कुछ हम एग्जाम्पल एरोमेटिक एग्जाम्पल की बात करता हूँ बच्चों, और इसके बाद फिर इसको कंप्लीट करता हूँ और फिर नेम रिएक्शन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है बच्चों? चलिए कुछ एग्जाम्पल पढ़िए। जैसे आपका क्या हुआ, ये आपके बेंजीन बने हुए, ठीक है, हम इसमें अलग अलग प्रकार के कंपाउंड जोड़ेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या है, ये सभी बेंजीन है, क्या है? ये सभी क्या है? बेंजीन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड जोड़ते चले जाएंगे और आपका नाम परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे नाम जोड़ेंगे Cl तो क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या जोड़ दिए, Br, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। 1,4-dibromobenzene, 1,4-dibromobenzene, ठीक। और क्या कह सकते हैं? डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। फिर और क्या कह सकते हैं? पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी कहा जा सकता है, पैरा डाइब्रोमो ठीक, पैराडाइब्रोमोबेंजीन। निश्चित रूप से आगे देखिए, अगर मान ली हम CH3 और Br जोड़ दिए तो क्या बोलेंगे हम? आर्थोब्रोमोटालिन। अगर मान के चलिए हम क्या को जोड़ दिए, यहाँ पे CH3 जोड़ दिए,
यहाँ पे डी आर जोड़ दिए, तो क्या नाम होगा? आर्थो पोजिशन पे डी आर है तो क्या बोलेंगे? आर्थो ब्रोमो, आर्थो ब्रोमो क्या होगा? टाल इन, ठीक है, आर्थो ब्रोमो ओ का मतलब हो जाएगा आर्थो ब्रोमो टाल इन। और यदि मान के चलिए यदि मेरे पास ये सी एच सी यहाँ पे जुड़ा ही हो और क्या हो जाए यहाँ पे सी एच बी आर जुड़ जाए तो कार्य क्या नाम होगा? मेटा ब्रोमो, टालिन। और यदि मान के चलिए बच्चों क्या जुड़ जाए, आर्थो मेटा पैरा बता दिया ना, पैराबेल। और यदि मान के चलिए यहाँ पे सीएल जुड़ा हो यहाँ पे बीआर जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो नहीं, सीएल जोड़ देते हैं डाई क्लोरो। ये हमारा क्या है बच्चों? ये सब एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए क्या है, क्लोरो बेंजीन है, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया, आर्थो ब्रोमो। अच्छा बच्चों थोड़ा एक बात और पॉइंट है, आपको आर्थो पैरा के बारे में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए यदि मान लीजिए अभी कुछ भी कोई कंपाउंड यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है तो हम इसको पोजीशन जो होगा बता देते हैं। ये हमारा आर्थो पोजीशन हो जाएगा, ये हमारा मेटा पोजीशन हो जाएगा, ये हमारा पैरा। ओ मतलब आर्थो, पी मतलब पैरा, आई मतलब मेटा। अब यदि मान लीजिए कोई ना कोई यहाँ पे कंपाउंड जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे रोटो जुड़ जाएगा, सी एच सी जुड़ जाता है, तो उसके जस्ट बगल वाला कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा? यानी उसके जस्ट बगल वाला क्या होगा? और कॉर्नर पॉइंट आर्थो पोजिशन होगा, ठीक है, इधर भी आर्थो इधर भी आर्थो, फिर क्या होगा? मेटा, फिर इधर पैरा, फिर ये पैरा हो जाएगा। यानी आर्थो आर्थो मेटा मेटा बीच में क्या होगा? पैरा। यानी जिस स्थान से जुड़ेगा उसी के जस्ट बगल में वह आर्थो पोजिशन कहलाएगी। तो ये बच्चों आपका रहा यानी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में आपको जानकारी दिया। अब आगे बात करते हैं, देखिए मिटा दूं, कुछ एग्जांपल जैसे देखिए बेंजीन, ठीक है, ये यदि मान लीजिए सी एच टू सी एच सी एच क्या जुड़ा है यहाँ पे देखिए सी एच टू सी एल सी एच सी एल टू और यह जाएगा सी सी एल थ्री, ठीक है। अब इनका नाम देखिए कैसे परिवर्तित होता है, बेंजील क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? बेंजील क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है बच्चों। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दिया और आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि हम इनके अणुसूत्र के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H5CH2Cl, क्योंकि इसके का नाम कितने का है, इतने का नाम क्या है बच्चों? तो मैं इसका नाम क्या बताता हूँ? C6H5 बताता हूँ। इसके बाद ये जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? CH2Cl। यदि आपको इनका मॉलिकुलर फार्मूला बताना हो अणुसूत्र तो आप तो निकाल सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन पूछ देगा इसका सूत्र क्या होगा, तो इतने का सूत्र क्या होगा बच्चों? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? C6H5 है। इसके बाद यहाँ से ये जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? CHCl2। फिर इसका इतने क्या नाम हो जाएगा? C6H5। और ये क्या जुड़ा हुआ है? CCl3। क्या नाम होगा? बेंजो ट्राई क्लोराइड, C6H5, C6H5, CCl3, C6H5CHCl2।
C6H5CH2Cl। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपको नेम रिएक्शन के बारे में कुछ बताएंगे, तो कैसा लगा ये आपको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, पहला लेक्चर है, और पहले ही लेक्चर में पहला पॉइंट दिया है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो मैं आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया, हेलो एरिन के बारे में बताया। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट है बच्चों, उनमें एलिफैटिक योगात्मक यौगिक, और दूसरा था आपका एरोमेटिक योगात्मक यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक और एलिफैटिक हैलोजन यौगिक। तो एलिफैटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, ए भाई आपके बारे में जानकारी दिया, एल्कीन एल्काइन एल्केन क्या होते हैं ये भी आपको बताया मैंने। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी जो आपकी नेम रिएक्शन पूछी जाएगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, गुड डे।